हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए डिमांडिंग वीडियो के साथ, एक नए डिमांडिंग प्लांट के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कि कल मैंने एक प्लांट 1 मई को मैंने अपलोड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 21 घंटा पहले यानी कि 28 आवर है वो। हमारे एक व्यूअर हैं सदर MD सदर आलम शेख जी, उनका कमेंट आया था सर 9.4 × 46 इसमें किचन और बाथरूम और बेडरूम कैसे एडजस्ट होगा। तो इनके लिए मैंने प्लान बनाया है, तो चलिए देखते हैं इस प्लान को किस तरह से। और इनका बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम के थ्रू, और इंस्टाग्राम पे जुड़े थे। अगर आप भी मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कनेक्ट होकर उसे फॉलो करके बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये उनको कमर्शियल प्लान बनाना है और उसके साथ साथ रेसिडेंशियल भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका प्लॉट है 9.9 फीट बाई 9 फीट 4 इंच बाई 46 फीट, आपको नीचे कमर्शियल देना। तो यहाँ पे इस तरफ आपका रोड है जो कि आपको देख सकते हैं, साउथ में आपका रोड है, इस तरफ से रोड है। तो यहाँ से आप स्ट्रेट देंगे, ये आपका रोलिंग शटर हो गया, रोलिंग शटर हो गया। यहाँ से अंदर घुसेंगे तो आपका एक कमर्शियल हॉल हो गया, ठीक है। कमर्शियल हॉल आप देख सकते हैं कि 305 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, 305 स्क्वायर फीट का एक कमर्शियल हॉल है। यहाँ पे कॉलम का पोजीशन आप देख सकते हैं 10 बाई 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी सारा 10 है। और तीन जो कॉलम इधर दिए गए हैं वो आपका 5 बाई 15 का है, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है वो कम ना हो जाए, बीच में कोई सेटिंग करने में कुछ कमर्शियल में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैंने इसे 5 बाई 15 का मैंने यहाँ पर फिगर दिया है। यहाँ पर स्टेयर केस है जो कि कुछ इस तरह से चल करके कुछ यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया आपका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको कमर्शियल करना है तो उसको भी आप इस तरह से पूरा कमर्शियल हॉल दे दीजिए। हम लोग चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जैसे ही हम लोग आएंगे, आप देख सकते हैं स्टेयर से हम लोग ऊपर आएंगे तो आपको एक हॉल मिलेगा जो कि 120 स्क्वायर फीट का है। आप चाहे तो यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सॉफ्ट एरिया है जो कि ओपन जो स्काई होगा, आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन है 3 फीट बाई 4 फीट 2 इंच का। और फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से स्टेयर होगा ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इस तरह से होगा। उन्होंने बोला था किचन, किचन को मैं सेकेंड फ्लोर पर ले आया हूँ क्योंकि यहाँ से रेजिडेंशियल प्लान शुरू हो गया। तो किचन का साइज़ हो गया 10 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 2 इंच का। यहाँ पे 3.5 फीट वाइड एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ से अंदर आएंगे तो आपको एक बेडरूम मिलेगा बड़ा सा जो कि 12 फीट बाई 8 फीट 1 इंच का है। एक फ्लोर पे एक ही बेडरूम आपको मिलेगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। और एक किचन मिलेगा। आप फिर से हम लोग यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे आए हैं। थर्ड फ्लोर पे हम लोग जैसे स्टेज से ऊपर आएंगे उसी तरह से 120 स्क्वायर फीट का हॉल मिलेगा। यहाँ पे सॉफ्ट मिलेगा जो कि ओपन टू स्काई होगा। और यहाँ पे किचन के जब वाशरूम दिया गया है, आप चाहें तो दोनों फ्लोर पे 1 BHK का फ्लैट बना सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको किचन को यहाँ तक करके और यहाँ तक आपको बाथरूम ले जा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों फ्लोर पे किचन और बाथरूम हो सकता है। लेकिन मैंने तो आप दोनों चीज़ दोनों फ्लोर का आप खुद यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आपका बाथरूम कर दिया है किचन के जगह पे, जो कि सेम डायमेंशन का है 10 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 2 इंच का। और यहाँ पे एक और बेडरूम है जैसा कि नीचे था 12 फीट बाई 8 फीट 1 इंच का। तो उम्मीद करता हूँ सदर आलम जी, MD सदर आलम शेख जी, कि आपको जो ये प्लान है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी हमारे कोई व्यूअर हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे अपने अपने यूज के हिसाब से यहाँ पे प्लान बनवा सकते हैं अपने डिमांड के ऊपर। मुझे अगर कमेंट अच्छा लगा तो मैं उस पर प्लान जरूर बनाऊंगा टाइम निकाल करके, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उस पर मैं चर्चा करूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली मिल बात करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ एक नया प्लान लेकर के। तब तक के लिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डू कमेंट फास्ट एंड आई विल अपलोड एन प्लान
विथ योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच गाइस.